नीतीश कुमार बनारस की रैली क्यों रद्द हुई? देखिए, नीतीश कुमार जी विपक्ष के का एक चेहरा है और सब कुछ तय हो गया था कि 24 दिसंबर को बनारस में रैली होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जिस कॉलेज में हम लोगों की रैली होने वाली थी, उस कॉलेज के प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को धमकाया कि आपकी परमिशन रद्द कर देंगे, आपकी बिल्डिंग पर बुलडोज़र चला देंगे अगर आपने ये रैली कराई। उसने हाथ जोड़ लिया कि हम नहीं करा सकते। अच्छा। और कई जगह, कई मैदान बुक करने की हम लोगों ने कोशिश की, उत्तर प्रदेश की प्रशासन ने इसकी इजाज़त नहीं दी। गोया कि बिल्कुल उत्तर प्रदेश एक पुलिस स्टेट हो चुका है, जिसके कप्तान माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। भाजपा वाले आज कह रहे हैं कि नीतीश जी को कहां रैली करनी है, हम जगह देंगे, आदमी नहीं जुटने वाला था इसलिए रैली रखी तो है। और ये भी बोल रहे हैं वो कि हम उनको जम्मू कश्मीर में रैली करवा देंगे, करना तो चाहे आदमी तो जुटा के देखें। देखिए, भारतीय बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार की रैली में भीड़ नहीं आती, ये भाजपा का नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि आप होने तो देते, आप परमिशन दे देते कि रैली करें, हमारी रैली में जीरो होता, कोई नहीं आता, उसके बाद बोलते ना। आप ये कौन होते हैं रोकने वाले? ये क्या उत्तर प्रदेश की जमीन भारतीय जनता पार्टी ने रजिस्ट्री करा ली अपने नाम से? इंडिया का खबर वो मैंने सुन लिया। जब नीतीश कुमार को रैली करने की परमिशन नहीं है तो फूलपुर से चुनाव कैसे लड़ेंगे और जीतेंगे नीतीश? हम रैली करेंगे, करेंगे जनता यूनाइटेड रैली करेगी, और एक नहीं करेगी, दर्जनों रैली करेगी, चाहे हमको किसान के खेत में करना पड़े, लेकिन हम रैली करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमको रोक नहीं सकती है। हम उत्तर प्रदेश के लोगों के दर्द को समझ रहे हैं, किसानों के दर्द को समझ रहे हैं, नौजवानों के दर्द को समझ रहे हैं। हम रैली करेंगे और कह दीजिए इन हिटलर और मुसोलिनी के सोच वाले लोगों से कि जनता दल यूनाइटेड के लोग आ रहे हैं आपके सीने पर ताबूत और सीने पर कील गाड़ने के लिए। फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार, जो चर्चा है। नीतीश कुमार तो कहीं से लड़ सकते हैं, 543 सीटों में वो करें, कहीं से भी लड़ लें। जो खबरें आ रही है फूलपुर, ये तो उनको तय करना है, लीडरशिप को तय करना। हम लोग इस बारे में कुछ कुर्मी की ज्यादा आबादी है सर। नहीं नहीं, नीतीश कुमार कुर्मी के नेता थोड़ी है, वो भारत के नेता जा रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं भाजपा वाले। वो भाजपा वाले चाहते हैं उनको एक जो है ना ब्रांड, कुर्मी ब्रांड करना, लेकिन वो समझ रहे हैं कि वो 130 करोड़ भारतीयों के नेता है, पहले नेता है जिनको यूएन बुलाता है कि आइए कुछ हमको बताइए कि कैसे क्लाइमेट पे काम हो, ये देश के, भारत के पहले नेता है। तो उनकी अपनी टीआरपी है और 130 करोड़ भारत के लोगों के नेता हैं। वो फूलपुर में कुर्मी इसलिए और मध्य प्रदेश में कुर्मी इसलिए, उनको पता नहीं कि मध्य प्रदेश में 16% कुर्मी है, छत्तीसगढ़ में 22% कुर्मी है, हैं उत्तर प्रदेश में 15% कुर्मी है, तो हर जगह नीतीश कुमार, गुजरात में कितने कुर्मी है, देश में 170 सीटें हैं लोकसभा की जहां कुर्मियों की तादाद 1 लाख से 3 लाख में, इसीलिए दावेदारी मजबूत है नीतीश जी पीएम कैंडिडेट के लिए। नहीं नहीं, ये नीतीश कुमार ने कभी जात की राजनीति नहीं की, कभी उन्होंने कहा कुर्मियों मुझे वोट दो। ये माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं मैं तो पिछड़ा का बेटा हूँ, कभी नीतीश कुमार ने नहीं कहा कि मैं पिछड़ा। शहीद के नाम पर वोट दीजिए, वो तो कफन शहीद पाकिस्तान यही सब चलता है उनके पास, दूसरा है क्या? राम जी के नाम पे, श्री राम जी के नाम पे। ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं सर। देखिए, ईवीएम के लिए पॉलिटिकल सवालात होते हैं, लेकिन मैं इस हक में हूँ कि बात साइंटिफिक होनी चाहिए, और अगर साइंटिफिक तरीके से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि प्रूफ कीजिए, कोई नहीं प्रूफ कर पाया, तो हमें खाम खा ईवीएम पे उंगली उठाना मुझे नहीं लगता है, बाकी ये मेरी अपनी राय है।